आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, देश और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सांसद परमादरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, विशेष तौर पर हम सब के बीच में उपस्थित हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजीव सैजल जी, शिमला के लोकप्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री घुमारवीं के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र जी, झंडूता के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जीतराम कटवाल जी, वाइस चेयरमैन और पूर्व में विधायक रहे नैना देवी के आदरणीय रणधीर शर्मा जी, सभा में उपस्थित हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, एम्स एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद गर्ग जी, एम्स के डायरेक्टर श्री वीर सिंह नेगी जी, यहां पर उपस्थित सभी चुने हुए माननीय प्रतिनिधि, सभी माननीय अधिकारीगण, हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, सभी जिला के अधिकारीगण, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो देवभूमि और वीरभूमि में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनके साथ आए भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सबकी ओर से करता हूं। स्वागत में मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का और सभागार में उपस्थित सभी भाई और बहनों का, आप सबका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि ये मेरा लोकसभा क्षेत्र भी है और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह भी है कि आज उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आना हुआ, जब देश में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने जो लक्षित पात्र हमारे 53,70,820 लोगों को टीकाकरण करने का काम, यानी कि दोनों डोज लगाने का काम किसी राज्य ने किया तो हिमाचल प्रदेश ने करने का किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, प्रदेश के हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और साथ ही साथ प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस आपदा के समय भी आगे बढ़ चढ़कर टीकाकरण कराया और देश भर में छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश को नंबर वन बनाने का काम आपने किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यह संभव नहीं होता अगर सरकार अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से पहाड़ों में, जंगलों में, पानी की नदियों को आगे पार करके आप तक नहीं पहुंची होती। यह तब भी संभव नहीं होता जब आप लोग आगे बढ़कर ना आए होते। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई आप याद करिए, आज से लगभग एक साल पहले तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि कभी इतना बड़ा हजूम इकट्ठा होगा। 24 मार्च 2020 के बाद तो यही पता नहीं था कि बंद कमरों से कब बाहर निकल पाएंगे। जो बाहर के राज्यों से अपने प्रदेश के अंदर अपने भाई बहन आते थे उनको भी सीमा पर रोक दिया जाता था, गांव वाले प्रधान उनको बाहर एक कमरे में बंद कर देते थे। कोविड प्रोटोकॉल के चलते हम सब लोग
एक ऐसे समय में बंद कर रह गए थे जो पता नहीं था कि आगे क्या होगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व मिला, लॉकडाउन भी लगाया और देश भर में जहां एक भी पीपी किट नहीं बनती थी आज तो कोई चर्चा नहीं करता है। मास्क बाहर से आते थे, पीपी किट बाहर से आती थी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का सपना मोदी जी ने रखा, लाखों पीपी किट्स हिंदुस्तान में बनने की शुरुआत हुई, ना केवल देश बल्कि दुनिया भर को देने का काम भी भारत की ओर से होना शुरू हुआ। आरोग्य सेतु ऐप, दुनिया में भारत पहला देश था जिसने ऐसा कदम उठाया था। कोविन ऐप, दुनिया में भारत पहला देश ऐसा था जिसने कदम उठाया था। आज दुनिया भर के देश भारत की ओर देखते हैं कि भारत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करता है। जब हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते थे, मोदी जी कहते थे डिजिटल इंडिया, तो कांग्रेस के लोग हंसते थे, क्या है का डिजिटल इंडिया। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, अगर लॉकडाउन के समय में बच्चों को पढ़ने का अवसर मिला, हमको एक दूसरे से बात करने का अवसर मिला, तो ये जो गांव गांव में ऑप्टिकल फाइबर और टावर लगाकर आपको डेटा देकर मोबाइल की सुविधा से लेकर बाकी सब करने का काम किया, तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय होने का काम है। किसने कल्पना की थी पोलियो के ड्रॉप्स तो लगने, बाकी जब वैक्सीन की बात आती है तो 30-30 40-40 साल इंतजार करना पड़ता था कि हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीन विदेशों से आती थी, हिंदुस्तान में नहीं बनती थी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी का ही नेतृत्व था मेरे भाई और बहनों, कि जिन्होंने वैज्ञानिकों को बुलाकर कहा कि हमें यहीं पर बनाना है, भारत में टीका बनाना है, क्योंकि 130 करोड़ भारतीयों को अगर टीकाकरण करना है तो 200 करोड़ टीके इंपोर्ट कहां से होंगे। सोच कब रखी थी, पूरा कब किया, कम समय के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई भी, हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने उनका निर्माण भी किया, एक नहीं दो दो टीके बनाने का काम भी किया और 120 करोड़ टीके लगाने का काम भी हिंदुस्तान ने कर लिया है। मेरे भाई और बहनों, मैं भाई मनसुख मांडविया जी को बधाई देता हूं, लगातार आपने राज्यों की सरकारों से बातचीत करके इस आपदा के समय भी टीका जैसे जैसे गांव गांव तक पहुंचाया है, यह आपके कुशल नेतृत्व के कारण हुआ है। भाई और बहनों, जिस स्थान पर हम खड़े हैं, एम्स, आजादी भी मिली, हिमाचल अपना 50वां पूर्णतव राज्य का जो वर्षगांठ बना रहा है, तो 50 साल हमारे भी हो गए, लेकिन किसी ने एम्स तो छोड़िए, कोई और बड़े अस्पताल के बारे में चिंता भी नहीं की थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो पहले ही बजट में अगर किन्हीं राज्यों को एम्स की घोषणा की तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत को, हिमाचल प्रदेश को एम्स देने का काम किया। आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय नड्डा जी बैठे हैं। अगर ये मात्र 3 सालों के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनकर आज हमारा एम्स का सपना पूरा हो पा रहा है, तो लगातार आदरणीय नड्डा जी ने इसकी एक के बाद दूसरी मीटिंग करके दिल्ली में भी, यहां पर भी, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी जैसे इसको धरातल पर बनाने का काम किया है, मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय नड्डा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भाई और बहनों, यह कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, 1471 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट, 750 बिस्तर का यह अस्पताल, इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज की सुविधा, नर्सिंग कॉलेज की सुविधा, और यही नहीं 64 आईसीयू बेड, 16 ऑपरेशन थिएटर एक ही अस्पताल के अंदर, लगभग 250 एकड़ भूमि पर यह बनने जा रहा है, जो लगभग बनकर तैयार हो गया। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मात्र 6 महीने के अंदर पूरे का पूरा एम्स अस्पताल तैयार होकर आपको समर्पित करने का काम कर दिया जाएगा। ये रिकॉर्ड समय के अंदर, मुझे आज भी याद है जब इसका भूमि पूजन करने के लिए आदरणीय जयराम ठाकुर जी और नड्डा जी आए थे,
आपने भूमि पूजन किया। मैं उस दिन यहां पर देख रहा था, नड्डा जी ने उस दिन भी पूछा कंपनी वालों से कि कितनी देर में पूरा करोगे। अगर आपदा नहीं आई होती तो शायद आज तक पूरा हो गया होता, लेकिन आपदा आने के बावजूद भी आप अगले 6 महीनों के अंदर इसको पूरा करके समर्पित कर दोगे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भाई और बहनों, यही नहीं, इसके अंदर जच्चा बच्चा का अस्पताल भी होगा बहुत सारी। अगर मैं इसको पूरा पढ़ूं कि क्या क्या होने वाला, तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। अगर आप इन 2 पन्नों को ही देख लेंगे तो इसमें साफ तौर पर लिखा है कि पेशेंट केयर सर्विसेज क्या होंगी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज क्या होंगी। इतनी लंबी सूची है, जो हमें कभी पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली जाना पड़ता था, अब 6 महीने के बाद आपको कहीं नहीं जाना है, पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को बिलासपुर आने के अपना इलाज करवा सकते हैं। यह इतनी बड़ी सौगात है आदरणीय नड्डा जी, ये जो आपका सपना था ये पूरा होने जा रहा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये जो प्रयास हुआ है ये अद्भुत है। यही नहीं, इसके अलावा जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करते करते 6 मेडिकल कॉलेज हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए, लगभग 500 करोड़ रुपए का हमारा पीजीआई अस्पताल ऊना के लिए, 350 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए, हर जगह पर आपने कुछ ना कुछ देने का काम किया ताकि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ मिल सके। भाई और बहनों, एम्स तो यूपीए की सरकार में बनने शुरू हुए लेकिन पूरे नहीं होते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने आजादी के बाद 2014 तक जितने एम्स बने थे उससे कई गुना ज्यादा एम्स हमने 5-7 सालों में देश भर में मोदी जी ने बनाकर दे दिए, बनने जा रहे हैं। और ऐसा आप कल्पना कीजिए कि अगर ऐसी 22 साइट्स पर काम चल रहा हो तो कितने ज्यादा काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज हर तीसरे संसदीय क्षेत्र में है। मैं इस पर ज्यादा विस्तार में नहीं कहूंगा क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे बीच में है, आदरणीय नड्डा जी को बोलना है, जयराम जी को बोलना है, मैं तो स्थानीय सांसद हूं, मुझे तो केवल आपका स्वागत अभिनंदन करना है। लेकिन इतना ही कहूंगा कि आपको एक पंडाल लगता होगा कि छोटा है, लेकिन आप देखिए जितने खड़े हैं उससे ज्यादा बाहर खड़े, उससे ज्यादा इस तरफ खड़े हैं। ये हिमाचल के लोगों का प्यार है जो आदरणीय मनसुख मांडविया जी का और आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करने यहां पर आए हैं। मैं एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, हिमाचल प्रदेश ने न केवल डबल डोज वैक्सीनेशन की है, अगर वेस्टेज की बात करें तो भी लगभग 0 वेस्टेज के बराबर किया है। जहां दूसरी और राजस्थान की सरकार में कूड़े के डब्बे में देखी जाती थी वैक्सीन, पंजाब में प्राइवेट अस्पतालों में देखी जाती थी वैक्सीन सरकारी, भाई और बहनों हिंदुस्तान के 120 करोड़ वैक्सीन में एक व्यक्ति को भी 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ा, मुफ्त वैक्सीन देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और अगर आपको लगता है मोदी जी ने वैक्सीन बनाकर 120 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम अगर मुफ्त में करके अच्छा काम किया है, तो अपने स्थान पर खड़े होकर मोदी जी के लिए जोरदार तालियों के साथ दिल्ली तक गूंज जाए मोदी जी के अभिनंदन के लिए। एम्स का धन्यवाद, वैक्सीन के टीके का धन्यवाद, हिमाचल की देवभूमि वीरभूमि से मोदी जी को शत शत नमन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ स्थानीय विषय थे सड़क को लेकर, बाकी भी वो भी हमारे ध्यान में आए, बैठक में हमने वो चर्चा कर ली है। रणधीर जी ने वो बात उठाई थी, मैं कहना भूल गया, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।